Сказать знаю, сэр. Good morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know that we have provided you so many lectures on our channel. The name of our channel is Dr. Isa Mohd Discover Teaching and Learning. Dear students, हमने जो हमारी चैनल है ये जो हमारे ऐसा एक खाली स्पीड नहीं है, ये हमने इसलिए बनाई है कि बहुत सारे हमें कॉल्स आए, मैसेजेस आए स्टूडेंट से डिफरेंट कॉलेज से, उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन आप पढ़ाते हैं इसके हमें बहुत सारे लेक्चर्स होने चाहिए, आप क्यों नहीं इसमें अपलोड कर रहे हो। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी चैनल बनाएंगे एजुकेशन पर, इसमें सारा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है कॉलेज लेवल पर वो हमने उस पर एफर्ट भी किया और मैक्सिमम जो हमारी पोटेंशियल था हमने आगे रखा बहुत सारे सेमेस्टर, चाहे उसमें आपका ग्रेजुएशन काउंसलिंग का पेपर हो, जैसे सिटल पेपर है, ECC है वो भी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो भी हमने पढ़ाया, और इन दिनों हमने और एक पेपर यहाँ पर टीचर एजुकेशन का भी हम सारा मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, चाहे क्लास भी हो फर्स्ट सेम की वो भी हमने पूरा उसमें अपलोड किया है, साइकोलॉजी हो थर्ड सेम में वो भी हमने अपलोड किया। तो मैक्सिमम हमारा कोशिश है कि हम वो सारे मटीरियल सारे टॉपिक जो भी कंसेप्ट है यूजी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज और एजुकेशन सब्जेक्ट में वो हम अपलोड करें और आपको अवेलेबल रखें, ताकि जो मैं सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पर हम ज़्यादा उर्दू में बात करते हैं वहाँ पर आपको समझ आ जाए कि ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या है। तो आपने जो इस चैनल में हमारे चैनल में बहुत सारा सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं एक बार आज इसलिए ये वीडियो बनाया, उसमें हम एक थोड़ा टॉपिक भी लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। इसका मकसद यही था कि आज मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आपने जो सपोर्ट दिखाया वो ज़बरदस्त है, ट्रेमेंडस है, जिसकी वजह से हमने तो इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई हमारी चैनल में। नाम है इसका डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। इससे जो फ़ायदा बच्चों को हुआ वो बच्चे हमें बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं और वो वहाँ से टॉपिक्स भी लिख रहे हैं, सर इस टॉपिक पे लेक्चर होना चाहिए। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट हमारी वीडियो सुन रहे हैं, अब व्यूज भी बढ़ रही है, वॉचिंग टाइम भी हमारे चैनल का बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम जो अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम सारा जो सिलेबस है आपका UG लेवल में वो मतलब इंशाल्लाह स्लोली हम सारा वो रखेंगे आप हमारी चैनल पे, मगर आपसे रिक्वेस्ट है जो भी बाकी बच्चे हैं चाहे कॉलेज में हैं या आउटसाइड हैं, आपको उन तक ये चैनल है वो पहुँचानी है, शेयर करनी है, ताकि वो बच्चे जिनका इतना मतलब फाइनेंस जो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए हमने एफर्ट्स किए ताकि उन बच्चों को फ़ायदा हो जाए, तो वो देख सकते हैं आराम से घर में। तो मगर आपको क्या करना है, आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आ जाए। तो यही मेरा है कि जो आपने सपोर्ट किया है इस चैनल में वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से बहुत सारे पिछली बार भी हमने रिसेंटली दे रहे टीचर एजुकेशन के बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड किए, जिसमें हमने जैसे फंडर इंट्रैक्शन मॉडल की जो कैटेगरीज है वो इम्पॉर्टेंट है एज ए टीचर, क्योंकि जब हम जाते हैं क्लासरूम में हमारा मेन फोकस होता है कि मेरा जो टीचिंग है ये इफेक्टिव रह जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ये हमारा मेन मोटिव होता है। हर कोई टीचर चाहे वो मतलब कहीं भी हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसका जो मेन मकसद होता है यही होता है कि मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी ये इम्प्रूव हो जाए, इसलिए वो अपडेट होता है, करने की कोशिश करता है अपनी नॉलेज को, दूसरे मेथड्स को देखता है कि कहीं दुनिया में ऐसा कोई मेथड ना हुआ हो जिससे बच्चों को आसान सिंपल तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। उसमें जो है जैसे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर के पास होते हैं पहले ही कि मैं जब क्लास में जाऊँगा तो ये ऑब्जेक्टिव लेकर जाता है कि बच्चों को जैसे हमने बात की कॉग्निटिव जो डोमेन होते हैं, एफेक्टिव डोमेन्स होते हैं, साइकोमोटर डोमेन्स, ये बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक टीचर चाहता है कि क्लास रूम में डिलीवर करे, और जब वो क्लास में जाता है कि ये एक्चुअली रियलाइज हो जाए बच्चों में, उनका नॉलेज बढ़ जाए, उनमें कंप्रहेंशन आ जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखे, रिटेन कर सके, इसी तरह से उनमें एनालिसिस जैसी चीज़ें आ जाए, ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, सिंथेसिस आ जाए, इवैल्यूएशन आ जाए, इसी तरह से इफेक्टिव भी है। जैसे बहुत सारे आपने गांधी की डिफिनेशन सुनी होगी, उसने 3H पे जो बोला है कि टीचर का काम होता है कि बच्चों के तीनों जो 3H होते हैं जैसे हेड उसका जो है नॉलेज माइंड उसको ग्रो करना, दूसरा उसके हार्ट फीलिंग इमोशन वहाँ से उसको सिखाना, इसी तरह से और एक है प्रैक्टिकल उसे मैनुअल बोलते हैं
ये टीचर का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो मैंने पढ़ाया है चलो मैं देखूंगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड में आता है, अप्लाई करना आता है, तो ये जरूरी है, एक्सपीरियंस भी एजुकेशन में जरूरी है। अब जो टीचर एजुकेशन जैसे फ्रेंड वर्ल्ड इंटरेक्शन मॉनिटर में बात की, 10 कैटेगरी जैसे उसमें टीचर टॉक था, इसी तरह से उसमें और एक कंसेप्ट था स्टूडेंट टॉक था, साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला वो आपको किसी भी तरीके से याद रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि टीचर के लिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमने टीम टीचिंग का कंसेप्ट पढ़ा, टीम टीचिंग में मोर देन टू टीचर्स पढ़ाते हैं, टर्म बाई टर्म सेम सब्जेक्ट सेम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, तो उसका भी एक अच्छा अपना फ़ायदा होता है कि बच्चों को क्लियर डाउट्स होते हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं, और टीचर को खुद भी फायदा होता है, वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है, जब वो दूसरे टीचर के साथ डिस्कशन कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, फिर वो अपनी वीकनेस देखता है, मेरी वीकनेस कहाँ है, उसको इम्प्रूव कर सकता है। ऐसे वर्कशॉप ऐसे प्रैक्टिस रखने होते हैं स्कूल्स कॉलेज में ताकि बच्चों को फ़ायदा हो और टीचर को भी इंटरव्यू फायदा होता है। तो ये भी एक टॉपिक हमने पढ़ा। आज हम छोटा आज का जो वीडियो है इस पर हम शॉर्ट एक वीडियो बना रहे हैं, और एक जो डाइट्स होते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक होते हैं जैसे बड़े लेवल पर नेशनल लेवल पर हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, वो और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो टीचर को वक्त वक्त पर ट्रेन करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं, ताकि इसमें जो पेडागॉजिकल स्किल बढ़ जाए, मास्टर हो जाए, स्किलफुल हो जाए, आर्टफुल हो जाए। तो यही मकसद होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो टीचर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है टीचर उसको ट्रेनिंग देते हैं वक्त वक्त पर, चाहे वहाँ पर फिर सेमिनार्स हो, वर्कशॉप हो, रेफरेंस कोर्सेज हो, ऑरिएंटेशन कोर्सेज हो, इन सर्विस कोर्सेज हो, प्री सर्विस कोर्सेज हो, बी एड हो, एम एड हो, या बाकी ट्रेनिंग हो, ये सारे रिलेटेड होते हैं किसके साथ, टीचर के साथ, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ बिहेवियर चेंज करना, स्किलफुल बनाना, उसी जगह से। और एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उसका नाम होता है, उसको डायरेक्ट्स बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो डायरेक्ट्स है इसका हम बोलते हैं कि जब हम छोटे भी थे, जो हम मोहनलाल उस्ताद थे जो हमें पढ़ाती थे, कभी कभार हम देखते थे कि उनको डायरेक्ट्स में हमने सुना है वो डायरेक्ट्स में जाते थे, वहाँ ट्रेनिंग होती थी, तो वहाँ पर जो डायरेक्ट्स का जो मेन जो ट्रेनिंग होती है दो ज़्यादा उस पर ज़्यादा जोर होता है। नंबर वन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, ये दो ऐसे डोमेन्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि डायरेक्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वहाँ पर हमारा काम होता है। ये जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री मीनस 6 से 14 एज तक, मीनस हम 8th क्लास तक, हमारा गवर्नमेंट का एक होता है कि ये जो एजुकेशन है ये मैक्सिमम हो जाए, यूनिवर्सलाइज हो जाए, हर बच्चे कम से कम ही एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करें, उसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि कम से कम 8th तक कोई बच्चा मतलब विदाउट एजुकेशन ना रहे। तो और एडल्ट फिर वो जिन्होंने बचपन में एजुकेशन नहीं की उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। मगर उसके साथ साथ ये इसका जो मेन मकसद होता है डायरेक्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी स्कूल्स है, चाहे प्राइमरी स्कूल्स है, एलिमेंट्री स्कूल्स है, वहाँ पर हमें टीचर्स को ट्रेन करना है, वर्कशॉप्स रखने हैं, सेमिनार्स रखने हैं, उनको जो भी रिलेटेड टीचिंग है, मेथोडोलॉजी है, सब्जेक्ट है, वो वहाँ पर उनको नॉलेज दी जाती है। आप देख रहे हैं मेरा जो कैमरा मैन है ये आपको दिखा रहे हैं, दिखाएगा बोर्ड पे कि ये जो है जब NEP जो 1986 में आई था, एक वो आपको कमीशन आया, क्योंकि इंडिया में जब हमने अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से बहुत सारी कमीशन आए, चाहे उसमें पहला कमीशन था राधा कृष्णा कमीशन 1948 और इंडियन यूनिवर्सिटी था, उसके बाद एक और कमीशन आया सेकेंडरी एजुकेशन 1952 मुदालिया कमीशन जिसको बोलते हैं, वो रिलेटेड था सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना। उसके बाद और एक कमीशन आया इंडिया में, दैट इज कॉल्ड कोथारी एजुकेशन कमीशन 1964-66। ये इसको बोलते हैं एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसने तो सारा इसमें चेंज ही किया हमारी कंट्री को, सारा एजुकेशन सिस्टम ही बदल डाला, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन पे ज़्यादा था, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा जोर था, प्रैक्टिकल्स में इसमें फोकस दिया, साइंस था, मैथमेटिक्स था, जो भी है इसने कोथारी एजुकेशन ने रेवोल्यूशन लाया। अब उसके बाद और एक जब इंदिरा गांधी के दौर या और एक कमीशन आया, वहाँ पर जो हमारा था राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर था 1986, तो उसमें बहुत सारा इस पे जो स्टेट लेवल्स पर होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजेंसीज होने चाहिए, इस कमीशन ने
ज्यादा जोर दिया है डिस्ट्रिक्टिशन ऑफ डाइट्स के बारे में, इसने कंसेप्ट दिया कि हमें स्टेट लेवल पर भी होनी चाहिए, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होनी ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो रन करे, जो टीचर रिलेटेड ट्रेनिंग है, प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, एजुकेशन है, ताकि हम इनको इम्प्रूव कर सकते, इनको इंस्पायर कर सकते, इन्हें स्किलफुल बना सकते हैं। तो चाहे हमें इनको वाइडर जैसे बोलते हैं ना, क्वालिटेटिव कवरेज एज वेल एज क्वान्टिटेटिवली बेटर सपोर्ट एज दैट वुड बी देयर इन द फील्ड, देयरफॉर यहां पर जो प्रॉब्लम्स हमें थी, नीड्स थे, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। और एक चीज है इसमें, जैसे आप यहाँ पर ये यह आपको दिखा रहा है मेरा कैमरा मैन, मैं यहाँ से पढ़ूंगा कि इसके जो है ऑब्जेक्टिव जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड यहाँ पर है, उसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि हमें तो एक काम था इसमें, हमें प्रोवाइड एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट टू द ग्रास रूट लेवल फॉर द सक्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अंडरटेकन इन द एरियाज ऑफ एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन। जो मैंने आपका ऑब्जेक्टिव जो ये डाइट्स का था उसका यही था कि किस तरह से हम एक तो एकेडमिक्स को यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल और एडल्ट एजुकेशन, एलिमेंट्री लेवल पर एकेडमिक्स को जैसे सब्जेक्ट्स, रोल ऑफ टीचर, मेथडोलॉजी को कैसे बढ़ाएंगे एंड सपोर्ट रिसोर्स सपोर्ट भी होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर रिसोर्स होने चाहिए बच्चों को, जो उनका जैसे न्यूट्रिशन है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, कम से कम ये बच्चों को मिलनी चाहिए। और ये इसका मेन मकसद था कि ये बच्चों को ये जो बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक नीड्स है, वो यहाँ पर बाय द गवर्नमेंट फ्री मिलना चाहिए, तब जाकर ये एलिमेंट्री एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। मेरा टीम कंटिन्यूसली आपको दिखा रहा है रोल इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो रोल इन एलिमेंट्री एजुकेशन था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राइमरी का एजुकेशन का मतलब होता है फर्स्ट से लेकर जो फिफ्थ तक है, फिफ्थ को प्राइमरी बोलते हैं, और इससे पहले एक एजुकेशन लेवल होता है उसको बोलते हैं फिर प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। एलिमेंट्री हो गया आपको एट्थ तक, इसका दूसरा नाम है मिडिल एजुकेशन। तो इसी को हमें यूनिवर्सलाइजेशन बनाना, यही ऑब्जेक्ट था डाइट्स का, कोई बच्चा विदाउट एजुकेशन न रह जाए, न पीछे रह जाए विदाउट एजुकेशन, उन्हें किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में लाना है। जो मैंने आपको बोला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी शुड गिव मोर फोकस टुवर्ड्स देयर यूनिवर्सलाइजेशन, टुवर्ड्स देयर सुपरियर ऑफ प्राइमरी एंड एलिमेंट्री, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था पहले कि हमें ग्रास रूट लेवल पे निचले तबके से हमें स्टार्ट करना है, पहले अगर हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, नीचे से बेस से हमें स्टार्ट करना है, सारा बच्चे एजुकेशन को हमें लाना है, कोई यहाँ से विदाउट एजुकेशन न रह जाए। तो प्राइमरी को यूनिवर्सल बनाना है, एलिमेंट्री यूनिवर्सल मीन्स हमें इनको लाना है एजुकेशन में, विदाउट एजुकेशन नहीं रहने चाहिए, हम इनको फैसिलिटीज भी देंगे, हम इनको मिड डे मील देंगे, हम इनको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म्स देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, ताकि ये यहाँ पर रिटेन हो जाए, स्कूल से नवाब जाए, स्कूल में रहे। और एडल्ट एजुकेशन वो दूसरा था इसका, क्योंकि हमने देखा कश्मीर में भी यूटी में जो बहुत साल पहले की अब अभी छाया चल रहा है, अब जो बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो एजुकेटेड जो यूथ है किसी इलाके में, वहाँ पर उनको मतलब सैलरी देता है, उनको वहाँ पर मिलता है, फिर क्या करते हैं वो पढ़ाते हैं किनको, एडल्ट्स को, जो जिन्होंने बचपन में नहीं पढ़ा, कम से कम रीडिंग एंड राइटिंग उनको आ जाए, उससे क्या होते हैं सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये बहुत सारी इसके बहुत सारे फायदे हैं सेकेंडरी एजुकेशन के। तो ये इनका और एक ऑब्जेक्टिव था। और एक ऑब्जेक्टिव था NLM, उसको बोलते हैं NLM, जो जो भी था जो NLM जो का कंसेप्ट फिर आ गया, अच्छा टारगेट्स इन रिगार्ड टू फंक्शनल लिटरेसी इन द, उसको बोलते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन। ये जो नेशनल लिटरेसी मिशन था इसका भी था कि हम एक कौमी सतह पर एक मुहिम चलाई गई, प्रोग्राम चलाया गया, उसमें ये कहा गया कि कोई भी जो 15 से 35 हमें उनको किसी भी तरीके से एजुकेशन में इन्वॉल्व करने हैं। तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत एक दो और भी इसका रोल हाईलाइट करूँगा कि इसमें जो प्री सेटिंग रोल ऑफ डाइट्स क्या है। इसमें जो पहला है परसूट ऑफ एक्सीलेंस वुड हैव टू इन्फॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ द डाइट्स इन विच कॉन्टेक्स्ट इट विल हैव टू इंटर रिलेटेड आस्पेक्ट्स एक्सीलेंस इन द इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर हेल्पिंग द एलिमेंट्री एडल्ट एजुकेशन सिस्टम इन डिस्ट्रिक्ट्स इन अचीविंग एक्सीलेंस। तो ये इसका पहला था। तो तीन और भी फंक्शंस है। अ डाइट विल हैव थ्री मेन फंक्शन। नंबर वन,
training both induction level as well as continuing varieties. दूसरा resource support देना है और action researcher. तो ये important है, तीन और function है इस dietist का. वो है हमें training देनी है जो भी वहाँ पर जो हमें teaching staff है इन schools में, चाहे primary में या elementary में, हमें उनको training देनी है, skillful बनाना है. ये पहला function है diet का, ट्रेन करना है हमें इन टीचर्स को जो वहाँ पर पढ़ाते हैं. और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो डाइट है, रिसोर्स सपोर्ट, उनको हमें फराहम करना है सपोर्ट जिसके जरिए से वो बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे बुक्स हो, किताबें हो, यूनिफॉर्म हो, बाकी चीज़ें. और हमें वक्त वक्त पर एक्शन रिसर्च की बात हमें करनी है. वक्त चाहे उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च का मतलब होता है आपके सामने एक स्टूडेंट है, मगर उस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, मगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है. आप उसको बोलते हैं क्लासरूम रिसर्च, लोकल रिसर्च. आप जल्दी उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस, आप उसको देखोगे इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है जल्दी, फिर उसको हम ओवरकम कर सकते हैं और उसको एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो बहुत सारी जैसे हमें इस एजुकेशन को चाइल्ड एजुकेशन बनानी है, चाइल्ड एजुकेशन डाइट. इसलिए लास्ट वाला स्लाइड है, मैं आपको बोलूँगा प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड, नीड बेस्ड even with the group of the trainees, participants, individual differences and needs will be identified and usko cater to. Trainees will be enabled to experiment, discover, learn, practice, innovate for themselves rather than being learned. Usko lecture, learning activities will be suitably organized in individual and group modes. Maximum possible use will be made of local environment in learning process. Curricula and learning activities will be suitably related to it. Good work done by the trainees would be duly recognized, encouraged, displaced and published. Dietist will itself adopt the attitude of self-long learner rather than that of an oracle or moon or it would receive as much from the field as it would endeavor to give it to all. The district will serve as the support for its learning experiences while it may करो आउट उसको बोलते हैं वन और टू स्पेशल और आर्ट्स एज इट इज. और इसके बाद है इसमें जो इसमें टारगेट्स है और इम्पॉर्टेंट है वो है इस डाइटिस का एक और ऑब्जेक्टिव था, वो था हमें करना है ये गर्ल्स एंड वुमेन को एजुकेशन देनी है. कोई भी गर्ल यहाँ एजुकेशन से महरूम ना रहे, सब गर्ल्स को हमें एजुकेशन में लाना है. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल जो हमारे बैकवर्ड एरियाज में हैं उनको भी हमें, जैसे ट्राइबल स्टूडेंट्स उनको भी हमें लाना है. इसी तरह से माइनॉरिटीज है जो हमारे मुल्क में या स्टेट में जो पीछे है उनको भी लाना है. हैंडीकैप्ड या ऑर्थोपेडिक जो बच्चे होते हैं, स्लम डिवलर्स, उनको भी हमें इन चीज़ों का एजुकेशन का ख्याल रखना है. तो लास्ट में डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ फंक्शंस पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, मीर साहब आपको दिखा रहा है दैट द फंक्शंस ऑफ दिस डाइट्स आर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप. ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन है. दूसरा एलिमेंट्री स्कूल टीचर बोथ रिसर्विस एंड इन सर्विस, उस पर ज़्यादा जोर है. इसी तरह से हेडमास्टर्स, हेड ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट अप टू ब्लैक लेवल, उनको भी हमें ये इसमें इन्वॉल्व करना है और उनको वक्त वक्त पर हमें अपडेट करना है. इंस्ट्रक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन, ये भी नॉन फॉर्मल जो एडल्ट एजुकेशन है या नॉन फॉर्मल, उन ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें सपोर्ट करना है. मेम्बर्स ऑफ DBE एंड विलेज एजुकेशन कमेटी जो होते हैं VEC, उनको भी हमें इन्वॉल्व करना है ताकि मैक्सिमम बच्चे स्कूल्स में एनरोल हो जाए. रिसोर्स पर्सन्स हु विल कंडक्ट सुटेबल प्रोग्राम्स फॉर द टारगेट ग्रुप्स मेंशनड एंड अबव एंड सेंटर्स अदर देन द डाइट. सो डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि मेरा जो कैमरामैन आपने इसको दिखाया है कि आप एग्जाम में देख सकते हो, ये है कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन फंक्शन जो डाइट में करने हैं. ट्रेनिंग देनी है, ओरिएंटेशन है, रेफ्रेश है, सेमिनार्स है, एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स है उनको हमें अपडेट करना है, इसी हेडमास्टर्स को हमें इन्वॉल्व करना है, ऑफिसर्स को करना है, इसी तरह से विलेज लेवल जो है विलेज एजुकेशन कमेटी है उनको भी हमें, और रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वक्त वक्त पर उनको भी हमें अपडेट करना है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो थैंक यू वेरी मच.